मैंने गोविंदा के अगेंस्ट जो कंप्लेंट की है वो उसका हाइनस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और इनह्यूमन एक्ट्स के लिए 21 जुलाई 2009 को इम्पा में अपने आर्बिट्रेशन में दर्ज की। इससे पहले भी इसने मुझे किलिंग थ्रेट दिया था अक्टूबर 2003 में, जिसकी वजह से मैं 2004 एंड में 2005, 2006, 2007 मैं पंजाब चला गया था ताकि ये कहीं मुझे मरवा दे, तो मेरी तो कोई सुनवाई है नहीं। तो अभी इसने पहले भी बीच में भी इसने मुझे हरासमेंट किया और जब किलिंग थ्रेट दिया उसके बाद इसने मेरी फैमिली को, फैमिली आपको मालूम है औरतें और बच्चे तो इनसिक्योर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इसने मेरी फैमिली को भी मुझसे आइसोलेट कर दिया 2004 में, जिसकी वजह से मैं पंजाब चला गया कि ये मैं तो अकेला रह गया हूँ, कहीं मुझे मरवा ही दिया तो बच्चे तो इनसिक्योर आई हैं और इसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो दुनिया को मालूम है ही है। और मैं ये बात एक सबसे पहले बोल दूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके साथ मेरा ओपन पब्लिक डिबेट करवाना चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरा कोई दोष हो तो मुझे फांसी पे लटका दीजिए, और अगर इसका दोष हो तो जैसे मैं 3 साल एनफोर्स्ड एग्जाइल में गया इसको भी 3 साल विरार में भेज दिया जाएगा, ये भी 3 साल विरार में रहे। ताज़ा मामला यही है कि कंप्लेंट की सुनवाई चल रही थी, जो कंप्लेंट मतलब इम्पा में है इसके हाइनस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और मतलब क्या नाम अपना इनह्यूमन एक्ट्स की, जिसमें दिल लगा के देखो मेरी फिल्म जो इसने बंद भी कर दी उसमें भी है। इसको इसने 4 बार कॉपी लिया, कंप्लेंट की कॉपी लिया, और इम्पा ने इसकी फैसिलिटी के मुताबिक डेट रखा जिसमें 8वीं 9वीं मीटिंग में ये आया, और जब मीटिंग में सुनवाई चल रही थी ये झूठ पे झूठ बोल रहा था, तो मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा जी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा अक्षर अक्षर सच्चा है, इस व्यक्ति ने मेरी सांसें नहीं छीन सका ये, बाकी इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तो ये एकदम भड़क के बोलता है कि मैं तो तुम्हारी सांसें भी छीन लूँगा, मैं सांसें भी छीन लूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। और इसने जो टेबल पे जो बोतल पड़ी हुई थी पानी की, इसने बोतल उठा के मारने की कोशिश की, इम्पा के जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने इसको रोका, पकड़ा इसको, जिनमें से एक को तो हार्ट की मतलब प्रॉब्लम भी है, एक इम्पा मेंबर को। मैं तो बोलता हूँ ऐसी कंप्लेंट ना करे आदमी, क्योंकि जिस जहाँ ऐसी रिस्क आ जाए, फैक्टर रिस्क फैक्टर जहाँ जुड़ जाए, क्योंकि किसी को अनएक्सपेक्टेड था कि ये आदमी यहाँ भी ऐसा मिसकंडक्ट कर सकता है, तो इसको रोका। और ये इसने फिर सैंडविच की प्लेट मेरे ऊपर उठा के मारी, सैंडविच की प्लेट मेरे ऊपर उठा के मारी, और इसने मुझे बोला कि मैं ज़िंदा रहने ही नहीं दूंगा तुमको, मतलब इस तरह का बहुत कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी। क्योंकि इससे पहले मैंने इसको बोला था, इसके लिए बोला था कि ये तो मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देता रहता था, लेकिन फिर मैं चुप रहता था। तो इसको उन्होंने बोला आप बाहर बैठिए, मैं बाहर जाके बैठ गया, और 15-20 मिनट जो भी टाइम था इन्होंने इसको शांत किया, शांत किया। उसके बाद उन्होंने इसको ह्यूमन चेन बना के मुझसे मतलब दूर रख के इसको निकाला बाहर, के कहीं ये फिर मेरे पे झपट ना पड़े। जब ये निकल गया तो मैंने इम्पा से बोला जाके, मैंने कहा जी मेरी सिक्योरिटी क्या है, मैं अकेला आदमी, मेरी सिक्योरिटी क्या है। उन्होंने बोला जी आप प्लीज़ में कंप्लेंट दर्ज कीजिए। ये इसी 24 अगस्त की बात कर रहा हूँ, 2:30 बजे मीटिंग थी, ये लेट ही आया था थोड़ा। तो मैंने जाके 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन में जो लगता था वहाँ इसकी मतलब क्या नाम अपना किलिंग थ्रेट्स की जो भी जो जो इसने इंसिडेंट किए मैंने वो कंप्लेंट जाके वहाँ दर्ज कर दिया 5:30 बजे। जब सहारा टीवी पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, राजीव बजाज ले रहे थे, तो उन्होंने बोला आपका वो साला है, मैंने हाथ जोड़ के कान पकड़ के बोला था, नाक रगड़ के बोल रहा हूँ, ऐसे साले किसी को भगवान 50,000 जन्म क्या 5 लाख जन्म ना दे। क्यों ऐसा क्यों? जिस आदमी में इंसानियत नहीं है, ये पिक्चर शुरू करने से पहले मैंने कहा भाई तू माँ बहन की कस्में खा के, माँ की कस्में खा के झूठ बोलता है, चल वैष्णो देवी। जो आदमी वैष्णो माता पे जाके कसम खा के बोल सकता है मैं आपकी पिक्चर मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी पिक्चर 6 महीने में निकाल दूंगा, जिसको माता रानी का वैष्णो माता का खौफ नहीं है, उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट क्या करेंगे।